हेलो दोस्तों, MIUI 10 का एक न्यू अपडेट आ चुका है 8.9.20 फ्रेंड्स। तो इस अपडेट में क्या क्या न्यू फीचर आपको मिल जाएंगे मैं इस वीडियो में आपको यही दिखाने वाला हूं। तो अब जैसे ही आप वॉट न्यू में जाएंगे तो हमेशा की तरह इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी और ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, लेकिन इसमें एक मुझे अपडेट में न्यू चीज़ मिला है। तो जैसे ही आप ऐप लॉक में जाते हैं फ्रेंड्स, ऐप लॉक में आप सेटिंग्स में जाइएगा तो नीचे में यहाँ पर देख सकते हैं हिडन ऐप में है जो ट्यूटोरियल का ऑप्शन है जो मिल जाएगा। इसमें आपको कैसे यूज़ करना है हिडन ऐप को, इसमें यही दिखाया गया है फ्रेंड्स, और कुछ खास नहीं है। और फ्रेंड्स, इस अपडेट में कोई भी न्यू फीचर है जो नहीं मिलेगा आपको। आप MIUI फोरम पर जाकर देख सकते हैं, जो इसका चेन लॉक प्रीव्यू आया था उसमें फिक्स किया गया है बग। फ्रेंड्स, बहुत सारे बग थे इसमें फिक्स किया गया है, पर देख सकते हैं फेस अनलॉक ऑप्शन डिस अपेयर वेन चेंजिंग रीजन टू थाईलैंड। पोको F1 में फ्रेंड्स यह प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे बहुत सारे डिवाइसेस में ऐसा प्रॉब्लम मिला है। यहाँ पर केवल पोको F1 ही लिखा गया है फ्रेंड्स कि रीजन चेंज करने पर फेस अनलॉक का ऑप्शन है था डिसअपेयर हो जाता था फ्रेंड्स, तो इसको इसमें फिक्स कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं द परसेंटेज ऑफ बैटरी हैज चेंज द लोकेशन एंड इट हैज बिकम कॉम क्लोज विथ नेटवर्क टाइप इंडिकेटर। जो यहाँ पर परसेंटेज है फ्रेंड्स जो बैटरी का, वह है जो नेटवर्क था उसके बगल में दिखाता था फ्रेंड्स, तो उसको साइड में कर दिया है, यह फिक्स कर दिया गया है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं लीक एप्लीकेशन इज इंस्टॉल्ड ऑटोमेटिकली। कोई भी एप्लीकेशन आपके डिवाइस में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता था तो उसको फिक्स कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, इन रोटेशन ऑफ स्क्रीन नोटिफिकेशन पैनल शो MPM फर्स्ट टाइम देन टाइम। जो फ्रेंड्स रोटेट आप करते थे स्क्रीन को तो जो AM या PM था वह टाइम से पहले दिखाता था फ्रेंड्स, तो उसको इसमें फिक्स कर दिया गया है। रियर कैमरा एरर इन हार्डवेयर टेस्ट। हार्डवेयर टेस्ट में जो रियर कैमरा का एरर दिखाता था फ्रेंड्स, जो कि मतलब कि रियर कैमरा अच्छी तरह से वर्क कर रहा है फिर भी एरर दिखाता था, तो उसको फिक्स कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं सम ऐप आइकन नॉट शो इन नोटिफिकेशन पैनल। रेडमी नोट 5 और नोट 5 प्रो में प्रॉब्लम था फ्रेंड्स, इसको फिक्स कर दिया गया है। बहुत सारे यहाँ पर फिक्सेस है फ्रेंड्स, कोई बग फिक्स, बहुत सारे बग को फिक्स किया गया है। बस फ्रेंड्स, इस अपडेट में बस यही है बग को फिक्स किया गया। और फ्रेंड्स, रेडमी 4 में देख सकते हैं, मैं रेडमी 4 यूज़ कर रहा हूँ अभी तक, पोर्ट्रेट मोड ऑप्शन है जो नहीं आया है फ्रेंड्स इस कैमरे में। और फ्रेंड्स, इसका कैमरा भी अभी तक चेंज नहीं हुआ है, वही MIUI 8 वाला ही कैमरा इसमें अभी तक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इस अपडेट में बस कुछ न्यू फीचर नहीं है, बस यही सब है। और फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियो लेकर आते रहता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।